लोग पढ़ने वाले हैं इस तरह से स्कूल। हिस्टोरेसिस लॉ, ठीक है, हिस्टोरेसिस लॉस कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी लूप को समझें। लूप जो क्या होता है, जैसे कोई मैग्नेट है, ठीक है, यह मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है, चुंबक है। अगर मैं यहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा रखूँ, ठीक है, लोहा है ना, ये लोहा है, तो क्या होता है कि देखो इसके अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है, डोमेन होते हैं। तो डोमेन स्टार्टिंग में क्या होता है, लोहे की कोई टेढ़ा पड़ा होता है, कोई इस तरफ पड़ा होता है, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, इसके द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। पर जैसे ही हम मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेट का गुण आ जाता है। और मैग्नेट का गुण किसे कहते हैं, जब सारे डोमेन यानी कि सारे एटॉमिक संरचना क्या हो जाती है, एक लाइन में शुरू हो जाती है, ठीक है, एक लाइन में शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव वाला चला जाता है। तो क्या करता है, जो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव को खोजता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खोजता है, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेट का क्या बनता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, यही हिस्टोरेसिस लूप है कि जब क्या होता है, जब हम कोई चुंबक किसी लोहे के पास ले जाते हैं तो उस लोहे के अंदर क्या आ जाते हैं, मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, और जिसके कारण जो चुंबक होता है उसका कुछ चुंबकत्व क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, ठीक है। और जो पिछड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हिस्टोरेसिस, ठीक है, इसे बोलते हैं हिस्टोरेसिस, ठीक है। आप समझ गए कि मैग्नेट का पिछड़ना और लोहे के अंदर वो गुण आने तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोरेसिस कहलाता है, ठीक है, हिस्टोरेसिस लॉस, ठीक है। तो हिस्टोरेसिस लॉस जो हमारे ट्रांसफार्मर में कोर के माध्यम से होता है, कुछ क्या होता है वो, जैसे मोटर है तो मोटर में घर्षण के कारण या फिर ताप के कारण क्या होता है, खर्च होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह हिस्टोरेसिस लॉस होता है। अब हिस्टोरेसिस लॉस में हम पढ़ेंगे आज हिस्टोरेसिस लूप, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा आपको, ठीक है, लूप को जो है ग्राफ के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। ग्राफ, तो ग्राफ को आप समझते होंगे कि दो लाइनें होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, ये होती है वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और एक होती है समांतर, ठीक है, ये होती है समांतर, ठीक है। इसको एच प्लेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई प्लेट बोलते हैं, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। ये होता है जीरो पॉइंट, ठीक है, जीरो, कोई भी चीज़ है वो हमेशा जीरो से चलने के बाद वो इनफाइनाइट की तरफ चलती है, ठीक है, ये सबसे पीक पॉइंट है। मान लो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये कौन सा पीक है ना, दो 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 क्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं, अंतर को समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई चीनी है, चीनी का भाव है, ठीक है, और यहाँ पे चावल का भाव है ना, तो दो चीज़ों को एक वेव में दिखाना, तो ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मैं इसमें क्या दिखाऊंगा, दो चीज़ों को दिखाऊंगा, एक है हमारी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, उसको बी से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, और एक होता है एच, एच होता है फील्ड, मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ चुंबकीय क्षेत्र, सामर्थ्य, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कोई भी मान लो ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेट अपने आसपास जितना क्षेत्र बनाएगा उसकी क्षमता आएगी, है ना, तो इसे एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर एन आई बाई एल भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी मोस्ट नहीं है, अभी मोस्ट है बी और एच को समझा, ठीक है। तो जो एच है मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वाला, यहाँ पर नेगेटिव वाला, ठीक है, एच माइनस, एच प्लस और एच माइनस,
अब फ्लक्स डेंसिटी को मैं इस वाले लाइन में शो कर देता हूँ, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी को बी से लेना होता है पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, ठीक है। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता है, अब मैं थोड़ा एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को 12वीं 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इसको समझ सकते हैं। जैसे चुंबक और ये हो गया लोहा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसके आप पास लिया, ठीक है, पहले इसके अंदर जीरो था, यानी कि ये वाला कंडीशन थी, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो जीरो वाला कंडीशन थी, जैसे ही मैंने इनको इसको पास ले जाया तो इसके अंदर धीरे धीरे मैग्नेट के गुण आने लगे। तो जब मैग्नेट के गुण आने लगे तो फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ने लगी, है ना, फ्लक्स घनत्व भी बढ़ने लगा और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ने लगा इस मैग्नेट में, ठीक है। तो इसके अंदर लोहे के अंदर क्षेत्र भी बढ़ने लगा और फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ने लगी। जब वो बढ़ने लगी तो सीधा सीधा एक टॉप में पहुंच गया, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जो क्षेत्र है वो बनना क्या हो गया, बंद हो गया, यानी कि पूरी तरह मैग्नेट बन जाए, ठीक है। अब चाहे मैं कोई सा भी मैग्नेट रखती हूँ यहाँ पे, वो मैग्नेट नहीं बन सकता, वो नहीं बन ले सकता। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि जो चुंबक के जो गुण है वो पूरे ले लिए हैं। अब जो ये अगर मैं इसको जो चुंबक है अगर मैं इसके आसपास रखूंगा तो वो चुंबकित नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी तरह चुंबकित हो गया है। अब क्या होता है कि जो जो एच है क्षेत्र है वो क्या करता है, वो तो फिक्स रहता है, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे कुछ टाइम मार लो या ऐसे हटा लिया, अब इसके जो इसके अंदर जो चुंबकीय गुण है वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे, ठीक है। तो खत्म वो ऐसा नहीं कि इसी रास्ते से लौटने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो क्या धीरे धीरे कम होता जाएगा, पर जो फ्लक्स डेंसिटी है सॉरी जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, वो मतलब वो पीक में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से उल्टा वो लौटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो क्षेत्रफल है वो क्या है, थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। ये फर्क इसे बोलते हैं हिस्टोरेसिस लॉस, हिस्टोरेसिस लॉस, ठीक है, यानी कि लॉस हो गया, यानी आना तो इसी रास्ते से था पर वो क्या है कि लौट के वो सीधा इस तरफ चला गया, ठीक है। यानी कि ये फ्लक्स डेंसिटी वो क्या धीरे धीरे कम हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जो फ्लक्स डेंसिटी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, पर जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या है, सॉरी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो अधिक है, पर जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, मतलब जीरो हो गया, है ना। क्षेत्र इस वाले ग्राफ में दिखा रहा हूँ, इस वाले ग्राफ में दिखा रहा हूँ, तो क्षेत्रफल हो गया जीरो, पर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है, इतनी है, है ना। तो जो फ्लक्स डेंसिटी रह गई तो अब इसको मैग्नेट से हटाने के लिए, है ना, इसकी धारण शक्ति, ठीक है, इसे बोलेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। यहाँ से जो डी मैग्नेटाइज, इसे बोलो डी मैग्नेटाइज, जब डी मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, जब मैग्नेट को ख़त्म करना है, यानी कि जो इसकी फ्लक्स डेंसिटी है तो उसको ख़त्म करना है, जैसे डी मैग्नेटाइज होना है, जैसे फिर लोहे के रूप में आने के लिए क्या है कि जो ये वाला यहाँ से जो क्षेत्रफल तो जीरो हो गया, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो उसमें रह गई है, अब इसको ख़त्म करने के लिए यानी कि इसकी जो इसे बोलेंगे धारण शक्ति, यानी कि लोहे के अंदर धारण शक्ति से रिटेंटिविटी बोलते हैं, रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या है, कुछ मतलब वो धीरे धीरे कम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया होगी उसे बोलेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। तो अब देखो क्षेत्रफल तो माइनस की ओर बढ़ रहा है और जो फ्लक्स डेंसिटी हो गया पॉजिटिव में है, है ना। जब फ्लक्स डेंसिटी जीरो होगी ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या मिल गया, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ डी, ठीक है। अब देखो
सी और डी के बीच में कौन सा, ये क्या हो गया हमारे सी डी, सी और डी, ठीक है, सी और डी के बीच में क्या होगा, डी मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेट खत्म होगा, देखो यहाँ पे देखो ये हमारी फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ये फ्लक्स डेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है क्षेत्रफल को शो कर रहा है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो मान लो ये जीरो पहुँच गया, ठीक है, ये जीरो है, और हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है हाई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे मतलब जो क्षेत्रफल है धीरे धीरे कम होता जाता है और फ्लक्स डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती जाती है, पर एक दूसरे के समानुपाती नहीं घटती है, पर क्षेत्रफल ज़्यादा घटता है, फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी धीरे धीरे घटती है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ तक आ गया, मतलब ये सी और डी का कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमारा सेल होता है ना, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो एक जब मैं पॉजिटिव की तरफ को जोड़ूंगा मैं कोई भी लोड, ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ काम करेगा, पर एक लोड ऐसा होगा जो नेगेटिव, जब हम इसको उल्टा जोड़ेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगी, तो नेगेटिव में क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। नेगेटिव में मान लो जो जिनको यहाँ पर क्या अच्छे थे पर क्या जीरो माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस एक माइनस माइनस की ओर चल रहा है, पर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है हमारी अभी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्षेत्रफल को बढ़ाऊँगा, माइनस में मतलब घटाऊँगा, जितना घटता जाएगा तो ये धीरे धीरे ये क्या होगा इसकी माइनस में जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होती है बढ़ती जाएगी माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने आगे का देखा समाप्त, इस तरह से क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेचुरेशन पॉइंट आ गया, ये सेचुरेशन पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा धीरे धीरे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगी और जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको मैं जैसे और घटा जाऊँगा तो इस तरह से ये लूप इस तरह से यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो होगा तो इस तरह से ये लूप होती है पूरी, ये हमारी बी एच कर्व, इसको बी एच कर्व भी बोलते हैं, हिस्टोरेसिस लूप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं माइनस में पॉजिटिव में।